अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो? अच्छे ही होंगे। जनाब बाबूभाई सुपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल होम लर्निंग यानी ऑनलाइन अभ्यास में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कक्षा 7, आज की दिनांक है 25/6/2021, विषय हिंदी। बच्चों, आप लोगों को मैंने हिंदी वर्णमाला और अनुलेखन के जरिए हमारे पिछले कक्षा 6 की थोड़ी सी याद दिला दी है। अब हम हमारा अभ्यासक्रम शुरू करते हैं। आज हम लेंगे इकाई 1, चित्र के संग संग यानी के चित्र पाठ। चित्र के संग संग चित्र पाठ यानी कि हमें चित्र के जरिए उसका वर्णन करना है। आप लोगों को पता है ना, चित्र देखकर उसके ऊपर से उसके हमें थोड़े वाक्य बनाने होते हैं। वैसे ही यह पाठ में जो पाठ चित्र पाठ है, जिसके ऊपर हमें चित्र को देखकर कुछ वाक्य लिखने हैं। देखिए बच्चों, यह है एक चित्र, बराबर। यह चित्र में आप लोगों को क्या दिख रहा होगा? सड़क, सड़क के किनारे कई लोग, सड़क पर चल रहे वाहन, बराबर, हमारे कई यातायात के साधन। अब आप लोगों को यहाँ पर एक साइकिल वाला, एक सब्जी वाली, एक गुब्बारे वाला, मोची, बराबर, यहाँ पर एक बाइक वाला, रिक्शे वाला, दो कारें दिख रही है। अब हमें इनका यहाँ पर वर्णन करना है। आप लोगों को मैं बता दूँ बच्चों, यह साइकिल वाला क्या कर रहा है? तो साइकिल वाला पंप से टायर में हवा भर रहा है। साइकिल के टायर में हवा भर रहा है। यह साइकिल की दुकान है। तोता इस दुकान के डंडे पर बैठा है, दिख रहा है आप लोगों को। अब ये कुंजड़ी, सब्जी बेचने वाली, इसे क्या कहेंगे? कुंजड़िन। ये कहाँ कहाँ जाती है? गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर सब्जियाँ बेचने जाती है। आप लोगों के मोहल्ले में भी आती होगी सब्जी वाली, बराबर, उसे हम क्या कहेंगे हिंदी में? कुंजड़िन, बराबर। इसकी टोकरी में सब्जियाँ हैं। और ये है हमारा गुब्बारे वाला, इसके गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। क्यों हवा में उड़ रहे हैं? क्योंकि इनमें गैस भरी हुई है। और यह मोची शांति से बैठा है, शायद किसी ग्राहक की राह देख रहा है। और सड़क पर एक कुत्ता मुंह लटकाए लेटा हुआ है, शायद आराम कर रहा होगा। चलिए सड़क पर आ जाते हैं। एक बाइक वाला अपनी बाइक चला रहा है, रिक्शा वाला अपनी रिक्शा चला रहा है। रिक्शे में एक ही यात्री है, शायद उसे दूसरा कोई यात्री नहीं मिला होगा, बराबर। पीछे दो कारें हैं। चलिए अब हम इनका वर्णन करते हैं। साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। मैंने आप लोगों को बताया ना बच्चों, देखो ये रहा साइकिल वाला, जो साइकिल में पंप से हवा भर रहा है। एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है। गुब्बारे वाला कहाँ जा रहा है? गुब्बारे बेचने जा रहा है। गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। ये जो गुब्बारे वाला है, ये गुब्बारे बेचने जा रहा है, इसके गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। कुंजड़िन यानी कि सब्जी बेचने वाले टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। क्या कर रही है कुंजड़िन? अपनी टोकरी में सब्जियां लेकर सब्जियां बेचने जा रही है। एक ही कुंजड़िन है यहाँ पर। एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। दुकान के डंडे पर तोता बैठा है। एक कुत्ता क्या कर रहा है? रास्ते में ही लेटा हुआ है। और दुकान के डंडे पर कौन है? तोता बैठा हुआ है। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक कुत्ता लेटा हुआ है और डंडे पर कौन है? तोता। कौन बैठा है? तोता बैठा हुआ है। सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है। सड़क पर कौन है? एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है। आप लोगों को मैंने बताया ना, ये बाइक वाला अपनी बाइक चला रहा है और ये एक व्यक्ति है जो बाइक पर बैठकर जा रहा है। बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रही है। रिक्शे में एक यात्री बैठा है। ये बाइक है और इस बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रही है। इस रिक्शे में कौन बैठा है? एक ही यात्री बैठा है। बच्चों, यहाँ पर हमने इस तरह चित्र का वर्णन कर लिया है। आप लोगों को इस चित्र के अंदर मैंने बताए हुए इन वाक्यों के अलावा भी आप लोगों को इसमें कुछ और भी दिखता हो तो आप लोग लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। जैसे सड़क के पास यहाँ पर घर है, घर में दो व्यक्ति हैं, बराबर ने, जो बाहर देख रहे हैं। आप लोग आकाश में पंछी उड़ रहे हैं, बराबर, आप लोग यह वाक्य भी लिख सकते हैं। बच्चों, इस तरह आप लोगों को अगर परीक्षा में कोई चित्र
पूछाया गया था चित्र देखकर उस पे से 10 वाक्य लिखे तो आप आराम से लिख सकते हैं। आप लोगों को अपने नोट में यह चित्र वर्णन लिखना है, अच्छे अक्षर से लिखना है, आज की तारीख के साथ लिखना है, ठीक है। और गूगल फॉर्म पर भी आप लोगों को प्रश्न के उत्तर देने हैं, जिससे आप लोगों की हाजिरी ली जाएगी, बराबर। आप गूगल फॉर्म पर जो जवाब दोगे, गूगल फॉर्म में प्रश्नों के उत्तर जो दोगे, उससे आपकी हाजिरी ली जाएगी। थैंक यू।